हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फिर आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनेस डिसूज़ा की लिखी हुई एक बहुत ही फेमस पोएम जिसका नाम है द वुमेन इन डच पेंटिंग। इनेस डिसूज़ा एक इंडियन राइटर है और टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि ये पोएम औरतों के बारे में है। वो औरतें जिनको डच पेंटर लोग, डच एक लैंग्वेज है जैसे इंग्लिश हिंदी होती है, वैसे ही डच पेंटर लोग ने बनाया हुआ है उन पेंटिंग्स की औरतों के बारे में ये पोएम लिखा गया है। तो पोएम समझ में आए अच्छे से, इसके लिए मैं आपको पहले कुछ डच पेंटिंग्स दिखाती हूँ। ये पेंटिंग्स बहुत ही फेमस पेंटर वर्मेनियर की बनाई गई है। ज़रा पेंटिंग्स को ध्यान से देखिएगा, हर पेंटिंग में आपको कुछ ना कुछ कॉमन ज़रूर नज़र आएगा। जैसा कि आपने देखा होगा, हर पेंटिंग में औरतें कहाँ पे है, घर का बैकग्राउंड है, घर पे है सारी औरतें। सारी औरतें अपना कुछ ना कुछ काम कर रही है, बहुत ही शांत दिखाई दे रही है और सबके सब खिड़की के पास खड़ी है या खिड़की के पास बैठी हुई है। खिड़की से आती हुई रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही है। तो फिर चलिए हम अभी पोएम शुरू करते हैं। द आफ्टरनून सन इज़ ऑन देयर फेसेस, दे आर काम नॉट स्पिड प्रेग्नेंट नॉट बोविन। तो फिर दोपहर के सूरज की जो रोशनी है वो आके इनके चेहरे पर पड़ रही है। ये जो औरतें हैं ये लोग शांत स्वभाव की है, लेकिन इनके शांत स्वभाव को इनकी कमज़ोरी मत समझिए। मत समझिए कि ये लोग बेवकूफ़ है, नहीं, ये लोग बेवकूफ़ बिल्कुल नहीं है। और जो पहला लाइन है, द आफ्टरनून सन इज़ ऑन देयर फेसेस, सूरज की रोशनी चेहरे पर पड़ने से उनका जो गोरा चेहरा है वो इतना ग्लो कर रहा है, ऐसा लग रहा है मानो कि वो उनका चेहरा ही एक सूरज हो, क्योंकि गोरे चेहरे पे ऊपर से सुनहरी रोशनी। तो आप समझ सकते हो एक इमेज क्रिएट होता है मानो उनका चेहरा ही सूरज के जैसा हो। ये औरतें प्रेग्नेंट है नॉट बोविन, लेकिन ये औरतें कमज़ोर दिखाई दे रही है। हो सकता है ये कुछ काम नहीं कर पा रही है, इन पे कुछ पाबंदी है, कुछ रिस्ट्रिक्शन है, बट वो इसीलिए नहीं है कि ये कमज़ोर है या ये काबिल नहीं है, बल्कि इसीलिए क्योंकि ये लोग प्रेग्नेंट है, बच्चा है इनके कोख में, इसीलिए इनको थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शंस डाला गया है। आई नो वुमेन लाइक दैट एंड नॉट जस्ट इन पेंटिंग्स, तो मैं ऐसी औरतों को जानती हूँ सिर्फ पेंटिंग्स में ही नहीं। एन आंट हु डिड नॉट आंसर हर हस्बैंड बैक नॉट बिकॉज शी वॉज प्लेन। तो मैं एक ऐसी आंटी को जानती हूँ जो कि अपने हस्बैंड को वापस पलट के जवाब नहीं देती। क्यों क्यों जवाब नहीं देती? इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लेन है या उनको हर्ट नहीं होता या इनके कोई इमोशंस नहीं है या फिर वो ये तक नहीं समझ पा रही है कि उनको अपमान किया जा रहा है या उनको गाली दिया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? तो फिर इसका जवाब आपको मिलेगा थर्ड लाइन में, जैसा कि लिखा हुआ है, काम नॉट स्टूपिड, दे आर काम नॉट स्टूपिड। वो इसीलिए जवाब नहीं देती क्योंकि वो शांत स्वभाव की है, उनको शांति पसंद है। छोटी छोटी बातों का इशू बना के, उस पर लड़ाई झगड़ा करके, राय का पहाड़ बना के मूड ख़राब करना उनको पसंद नहीं है। और एक तरफ से आप इसको समझदारी भी कह सकते हो, क्योंकि अगर वो पलट के जवाब देती, सोचिए, तो फिर उनके हस्बैंड को और ज़्यादा गुस्सा आता, वो गुस्से में और दो चार बातें बोलते, फिर गुस्से में ये और दो चार बातें बोलती, और ऐसे ही सीक्वेंस चलता रहता, झगड़ा ख़त्म ही नहीं होता। छोटी बात से छोटी सी बात एक बहुत बड़ी बात बन जाती, एक बहुत बड़ा इशू बन जाती। तो फिर एक और से उसने वापस पलट के जवाब ना देख के झगड़े को ज़्यादा बढ़ने से रोक लिया, और हस्बैंड भी अकेला कितना टाइम बोलता रहेगा, वो भी परेशान होकर चुप ही हो जाएगा, बोलते बोलते उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा, सारी भड़ास बाहर निकल जाएगी। तो ये उनकी समझदारी है, ना कि स्टुपिडिटी। एंड आना हु राइट्स पोएम्स, अभी एक और औरत की बात कर रही है आना, जो कि पोएट्री लिखती है, कविताएं लिखती है, और उसको ऐसा लगता है कि जो एवोकाडो स्टोन्स है, एवोकाडो एक फ्रूट है, जैसे कि हमारा आम होता है, एप्पल होता है, वैसे ही एवोकाडो एक फ्रूट है, उसके अंदर एक स्टोन जैसा बीज टाइप का होता है, लेकिन वो बीज है नहीं, उसमें से पेड़ नहीं उगते, वो दिखता है लेकिन बीज के जैसा ही, तो फिर उसको एवोकाडो स्टोन बोलते हैं। आना को ऐसा लगता है कि उसने किचन में गमले में जो एवोकाडो स्टोन दबा के रखे हैं, उसको पानी दे रही है, सूरज जैसे हम नॉर्मली पेड़ उगाते हैं, घर पे गमले उगाते हैं, वैसे ही उस बीज में से भी नया एवोकाडो का पेड़ निकलेगा, उसको ऐसा लगता है, लेकिन जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि वो बीज नहीं है, उसमें से पेड़ नहीं निकलता, वो बस एक
हार्ड स्ट्रक्चर होता है एवोकाडो फ्रूट के अंदर। हर वॉइस इज़ ओटमील एंड हनी। ऐना की जो आवाज़ है वो आवाज़ एकदम बहुत साफ सुथरी है, बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे कि वो क्या बोल रही है। और हनी, हनी मीठी होती है, शायद मीठी होती है, तो ऐना की आवाज़ बहुत मीठी है और बहुत साफ़ आवाज़ है उसकी। तो फिर इन चार लाइनों से हमें क्या पता चलता है कि ऐना बहुत ही इनोसेंट लड़की है और बहुत भोली है, उसको पता नहीं है, वो स्टुपिड नहीं है। हम कुछ लोग सोचेंगे यार कैसी बेवकूफ़ लड़की है, इसको इतना भी नहीं पता कि एवोकाडो स्टोन्स बीच नहीं होते, उससे पेड़ नहीं बोलता। नहीं, वो स्टुपिड नहीं है, वो बहुत भोली है, इनोसेंट है, और शायद किसी वजह से उसको उतनी नॉलेज नहीं मिल पाई है कि वो ये समझ सके कि इसमें से पेड़ नहीं उगता। उसको उस चीज़ का नॉलेज ही नहीं है, अगर कोई उसे बताए तो उसे पता चलेगा। और उसकी आवाज़ भी बहुत ही मीठी है, ये उसमें उसकी अच्छी क्वालिटी है। तो यहाँ पे हम उसकी नेगेटिव क्वालिटी को ना देख के उसकी अच्छी क्वालिटी को देख सकते हैं। तो हर इंसान के अंदर एक पॉजिटिविटी होती है, ये चीज़ भी इस लाइन में हम देख सकते हैं कैसे दर्शाई गई हुई है। और इस पोएम का मेन थीम जो है वो ये है कि फेमिनिज्म का मतलब है बराबरी, औरत और लड़कों की बराबरी। ऐसा नहीं है कि औरत कमज़ोर होती है या वो बेवकूफ़ होती है, उनके शांत स्वभाव को अक्सर उनकी बेवकूफ़ी, उनकी कमज़ोरी समझा जाता है हमारी सोसाइटी में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये उनका बड़ा दिल है, उनका साफ दिल है, और वो समझदार होती है, बेवकूफ़ नहीं। इसीलिए झगड़ा प्रिवेंट करने के लिए वो लोग चुप रहती हैं। ऐसा नहीं है कि उनको बुरा नहीं लगता, और ऐसा नहीं है कि वो बेवकूफ़ है, और वो कमज़ोर भी नहीं है। ज़रूरत आने पर वो लड़कों से भी ज़्यादा साहस दिखा सकती है। और जो औरतें फेमिनिज्म के नाम पे लड़कों पर डोमिनेंट करती है, हावी हो जाती है, उनके सर उनको अपना गुलाम बना के रखती है, सर पेट चढ़ जाती है, ये फेमिनिज्म बिल्कुल भी नहीं है। छोटी छोटी बात का बतंगड़ बनाना, राय का पहाड़ बनाना, ये फेमिनिज्म नहीं है। ओटमील और हनी मतलब अपनी इनोसेंसी, समझदारी और मीठी और साफ आवाज़ से भी एक औरत अपना अधिकार मांग सकती है, अपने अधिकार ले सकती है, और उसे उसके अधिकार मिलेंगे ही। उसके लिए उसे जानवर बन जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जानवरों की तरह व्यवहार करने की, चिल्लाने की, मारपीट करने की, सब करने की ज़रूरत नहीं है। उसे अपना जो अच्छा नेचर है, उसका जो प्यारा सा दिल है, जो बोलते हैं, जिसमें बहुत बड़ा दिल है, जिसमें सारी दुनिया के लिए दया है, ममता है, उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने रियल सेल्फ में औरत अपनी ही पर्सनालिटी में बहुत महान है, क्योंकि वो बहुत सह सकती है, बहुत समझदार होती है, कमज़ोर होती नहीं, बहुत ही ज़्यादा साहसी होती है, इनोसेंट होती है, और बहुत मीठे स्वभाव की होती है। तो उनके इस स्वभाव को उनकी कमज़ोरी ना समझा जाए, और ना ही कोई औरत को हक है कि वो अपने अधिकार चिद मांगने के लिए अपना ये जो अच्छा क्वालिटी है, जिस पे उनको गर्व होना चाहिए, उसको छोड़ के हैवान बन जाए या राक्षस बन जाए, बहुत रूडली बिहेव करने लगे, उल्टी सीधी बातें करे, चिल्लाए, गाली गलौज करे, ये बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोएम समझ आ गई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन पे टैप करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। गुड बाय।